मंगलवार को महिलाओं ने की दशा माता की पूजा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर सुख समृद्धि एवं परिवार के कल्याण की कामना की। हमारा देश देवी देवताओं एवं सांस्कृतिक आस्थाओं का देश है। यहाँ आए दिन तीज त्योहार एवं व्रत होते हैं, जिसे भारतीय महिलाएं बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ करती हैं। चैत्र महीने की दशमी पर हिंदू समाज में दशा माता का व्रत किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा कर उसकी परिक्रमा करती हैं तथा परिवार के सुख समृद्धि एवं घर की दशा सुधारने की कामना करती हैं। मान्यता अनुसार दशा माता व्रत के दिन मुख्यतः भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सौभाग्यशाली महिलाएं कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाती हैं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर उसकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठकर नल दमयंती की कथा सुनती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हुए डोरा गले में बांधती हैं। घर आकर द्वार के दोनों ओर हल्दी कुमकुम के छापे लगाती हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है और एक समय भोजन किया जाता है। भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित रहता है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करके सारा कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। इस दिन किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। प्रयास करें कि दशा माता पूजा के पूरे दिन बाजार से कोई वस्तु ना खरीदे। जरूरत का सारा सामान एक दिन पूर्व ही लाकर रख ले। शहर में भी जगह जगह महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की तथा दशा माता की कथा सुनी व बताया कि घर की सुख समृद्धि के लिए यह पूजा की जाती है। जो घर गृहस्थी की औरतें रहती है अपने घर की दशा सुधारने के लिए दशा माता का व्रत करते हैं और यह होली के 10 दिन बाद आता है। क्या क्या किया जाता है इसमें? इसमें पीपल देवता की पूजा की जाती है। सभी औरतें इसमें कच्चा सूत का वो परिक्रमा लगाती है और गले में कच्चा सूत बांधती है ताकि कथा भी करते हैं इसमें और जो कच्चा सूत बांधते हैं 10 धागे का उसे साल भर तक गले में पहनते हैं, बिल्कुल सोने जैसा उसको संभाल के। और पीपल में से जो पीपल की छाल निकलती है उसको भी सोना समझ के निकालते हैं और उसको भी संभाल के रखते हैं। दशा माता सब पे कृपा करती है और सबकी दशा सुधारती है।